हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह में तुलसी माता की कहानी बताती। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, भगवान की सच्ची भक्त। जब से उसने होश संभाला तभी से वो पूजा पाठ भजन कीर्तन माला जाप कार्तिक स्नान एकादशी व्रत सब करती थी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। वो बुढ़िया माई आती, तुलसा जी को सींचती, पूजती, दीपक जलाती, तुलसा जी से प्रार्थना करती और जाते हुए कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, धाल बात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब बुढ़िया माई इतने समय से तुलसा जी की पूजा कर रही थी और यही प्रार्थना कर रही थी। ये बात सोच सोच कर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तुलसी माता ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। प्रभु ने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से क्यों परेशान हो? तुलसी महारानी बोली, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा सेवा अर्चना करती है और फिर प्रार्थना में कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इस तरह की बात रोज कहकर जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो बुढ़िया माई मेरी भी बहुत भक्त है, उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान व्रत पूजा पाठ और एकादशी की है, मैं उसे बैकुंठ ही लाऊंगा। रही बात कंधे की, तो जब वह शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा। ये बात सुनकर तुलसा महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ समय पश्चात बुढ़िया माई का देहांत हो गया, सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए उसे ले जाने लगे, पर वे इतनी भारी हो गए कि किसी से भी उठे नहीं। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? जितने मुंह उतनी बातें, कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था, कोई पापन, अब सब करे तो क्या करे, मृत शरीर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे। तभी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान खुद वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए इतनी भारी हो गई है, किसी से उठी नहीं रही है। भगवान ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, हो सकता है शायद फिर उठ जाए। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीमन ले और मेरा यानी कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई, भगवान अपने कंधे पे लेके गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसा महारानी की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.